हाय, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। मैं हूं डॉक्टर विशाल। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि आप आसानी से इंटरनेट पे खरीद सकते हैं, अमेज़ॉन वगैरह से, या अपने मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, जो कि आपको पाइल्स, फिशर एंड कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियों में या कंडीशंस में काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे आपको बतानी है, ये है पाइल्स पिलो। ये काफ़ी कॉमन है, बट फिर भी मैंने देखा है कि काफ़ी पेशेंट्स को इसके बारे में पता नहीं रहता है। तो पाइल्स पिलो बेसिकली ऐसे एक सर्कुलर, एक रिंग जैसी पिलो होती है, कभी कभी बीच में उसमें कट भी होता है, एंड ये सॉफ्ट होती है। इस पे बैठने का लॉजिक ये है कि जो बीच में गड्ढा है, वो गड्ढे की वजह से जो आपको एक्सटर्नल पाइल्स हैं स्पेशली, या अगर आपको फिशर की तकलीफ है, बहुत पेन हो रहा है आपके एनल रीजन में, तो उसके ऊपर जब आप बैठते हैं नॉर्मली किसी चेयर पे तो काफ़ी प्रेशर आता है और उसके कारण पेन बढ़ सकता है। बट ये जो रिंग शेप में पिलो रहती है, इसकी वजह से पेन नहीं होता है, क्योंकि कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पाता है चेयर और इसके बीच में। और ये जो कुशन है, वो एक तरीके से आपको थोड़ा डिस्टेंस दे देता है और पेन कम करने में काफ़ी मदद कर सकता है। तो अगर आपको ऐसे व्यक्ति हैं, स्पेशली जैसे आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लोग काफ़ी देर बैठते हैं, आप पाइल्स के मरीज हैं, आप बैठ नहीं पा रहे हैं, तो आप पाइल्स पिलो नाम की ये चीज़ ले सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। आपको लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो चीज़ है जो कि आप आसानी से ऑनलाइन ले सकते हैं, वो है सिट्स बाथ टब। तो सिट्स बाथ करने के दो तरीके हैं। जो कन्वेंशनल तरीका है वो है कि आप एक प्लास्टिक का टब लें और उसमें बैठ जाएं, एनल मसल्स की एक्सरसाइज करें ल्यूक वार्म पानी में, जिसको कीगल्स एक्सरसाइज भी कहते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये कन्वेंशनल तरीका है, बट जनरली शहरों में, हमारे घर में सब जगह वेस्टर्न कोमोड होते हैं, तो अलग से आपको एक टब लेना पड़ेगा, फिर उसको रखने की कहीं जगह बनानी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा। तो उसकी जगह एक ऐसा छोटा सा टब आता है जो कि आपके वेस्टर्न कोमोड के ऊपर ही फिट हो जाता है। अब ऑनलाइन मैंने जहाँ तक देखा, उसके दो अलग अलग वर्जन हैं। एक है जिसमें एक पैकेट आता है साथ में, जिसमें कोई सॉल्ट वगैरह अगर आप डालना चाहते हैं तो वो डालने की सुविधा रहती है। एक दूसरा आता है जो कि सीधा सिर्फ एक प्लास्टिक का ऐसा टब जैसा ही होता है, जो कि आपके वेस्टर्न कमोड के ऊपर फिट हो जाता है, एंड आप उसमें बैठ के गरम ल्यूक वॉर्म, जैसा मैं कहता हूँ हमेशा, पानी डाल के अपनी सिट्स बाथ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल सी चीज़ है जो कि आसानी से नेट पे मिल जाएगी। तीसरी जो चीज़ आती है वो एक स्टेप जैसी चीज़ है। स्टेप यानी कि एक छोटा सा स्टूल। अगेन ये उन लोगों के लिए है जिनको कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की बीमारी रहती है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से उनको बार बार फिशर हो रहे हैं। तो जो वेस्टर्न कोमोड होता है, उस पर जो बैठने की पोजीशन होती है वो आइडियल नहीं होती है हमारे बाउल, यानी कि हमारे रेक्टम को पूरी तरह खाली या एम्प्टी होने के लिए। तो जो अप्रोप्रिएट पोजीशन है वो स्क्वाटिंग पोजीशन है। स्क्वाटिंग पोजीशन के अपने साइंटिफिक रीजंस है कि वो क्यों आपका बाउल या आपका रेक्टम एम्प्टी करने के लिए, यानी कि मोशन अच्छे से होने के लिए स्क्वाटिंग पोजीशन सबसे अच्छी की, उसके काफ़ी साइंटिफिक रीजंस है। बट वेस्टर्न कोमोड में ये चीज़ अच्छे से नहीं हो पाती है, तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए, यानी कि वेस्टर्न कोमोड होते हुए भी स्क्वाटिंग पोजिशन में आने के लिए, एक स्टूल जैसा आता है जो कि कमोड के नीचे रखा जाता है, जिससे कि आपके पैर जो हैं वो थोड़े ऊपर आ जाते हैं, आपकी नीज जो है वो ऊपर आ जाती है, और आपकी पोजीशन एक तरीके से स्क्वाटिंग तरीके की हो जाती है। इससे आपको मोशन करने में काफ़ी आसानी हो सकती है। अगर आप ये चीज़ नहीं भी लेना चाहते हैं, तो अगर आपके घर पे कोई छोटा सा स्टूल है, 6 इंच वाला जो होता है, जो जनरली बाथरूम में लोग यूज़ करते हैं बैठने के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए, उससे भी मदद हो सकती है। बट दिस इज समथिंग विच आई फील कि कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स को, पाइल्स फिशर वगैरह के पेशेंट्स को काफ़ी इससे मदद होगी, एंड ईजिली अवेलेबल है। बट हो सकता है आपको इसके बारे में ना पता हो, तो आप ये लेके ट्राई कर सकते हैं, एंड इससे आपकी काफ़ी मदद हो सकती है। लास्ट की दो चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है, एंड ये थोड़ा सीरियस है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ एनल डायलेटर के बारे में। एनल डायलेटर एक ऐसा कोन शेप्ड का एक इंस्ट्रूमेंट आता है, जो कि यूज़ कर सकते हैं एनल डायलेटेशन के लिए। साइंटिफिकली देखा जाए तो ये प्रूवन मेथड है, नॉन सर्जिकल मेथड है, फिशर इन स्पेसिफिक के पेशेंट्स को ठीक करने के लिए, एंड इससे लोगों को रिलीफ मिला है। वैसे आपको लिंक में जर्नल आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। बट ये मेथड में एक प्रॉब्लम है कि एक तो आप फॉरेन बॉडी, एनल डायलेटर जो होता है वो एक कोन शेप्ड का इंस्ट्रूमेंट है जैसा हम बताया, एंड उसको एनल रीजन में इंसर्ट करना होता है। अलग अलग साइजेस के आते हैं, 20 मिलीमीटर, 23 मिलीमीटर, 27 मिलीमीटर वगैरह वगैरह। जनरली 20 मिलीमीटर इज इनफ फॉर मोस्ट पेशेंट्स, एंड इसको लगाने के लिए आपको इसके ऊपर लिग्नोकेन जेली लगानी होती है ल्यूब्रिकेशन के लिए। लिग्नोकेन जेली के बारे में हम अभी थोड़ी देर में और डिटेल में बात करेंगे। तो लिग्नोकेन जेली लगाने के बाद आपको इसको इंसर्ट करना होता है,
लगभग 5 से 10 मिनट के लिए दिन में 2 बार, जनरली फ्रेश होने के बाद एक अच्छा समय है लगाने के लिए, रात में सोने के पहले अगर आप यूज़ करेंगे तो अच्छा समय है। तो ऐसे दिन में 2 बार लगाना होता है, जनरली 4 वीक्स तक इसको यूज़ करते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि इसके साथ मेन प्रॉब्लम ये है कि आप कोई फॉरेन बॉडी अपने एनल रीजन में इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड इसमें गलती हो सकती है, हो सकता है कि आप ज़्यादा फोर्सफुली इंसर्ट करें तो चोट लग जाए, हो सकता है कि आप को फिशर के साथ पाइल्स की भी तकलीफ हो एंड ब्लीडिंग शुरू हो जाए, या हो सकता है कि आपको इतना पेन हो कि आप पेन बेयर नहीं कर पाए, आपको स्वेटिंग होने लगे, चक्कर आने लगे। तो ये टेक्निक आजकल उतनी पॉपुलर नहीं है, हालांकि रिमोट एरियाज़ में ये आज भी यूज़ करी जाती हैं एंड डॉक्यूमेंटेड टेक्निक है, यानी कि ये रिसर्च द्वारा इस्टेब्लिश की गई टेक्निक है फिशर के पेशेंट्स को थोड़ा रिलीफ देने के लिए, टेम्प्ररी रिलीफ देने के लिए। कई बार होता है कि ऐसा करने के बाद उनको दोबारा सर्जरी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं ये उन्हीं लोगों के लिए रेकमेंड करूँगा जो कि एकदम एडमेंट है कि हम तो सर्जरी नहीं ही कराएंगे चाहे जो हो जाए, और ऐसे लोग जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई पास में डॉक्टर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, मे बी उनकी उससे मदद हो सकती है। तो एनल डायलेटर आप संभाल के यूज़ कीजिए, बट ये भी एक ऑप्शन है स्पेशली फिशर के पेशेंट्स के लिए जिनको की तकलीफ होती है और उनको काफ़ी जलन वगैरह होती है, पेन होता है, उनका एनल स्फिंक्टर जो है वो नैरो हो गया है। आइडियली स्पीकिंग अगर कोई जनरल सर्जन आपकी डायग्नोसिस करे एंड रेकमेंड करे कि यस आप एनल डायलेटर भी यूज़ कर लीजिए, अच्छा ऑप्शन है, तो सबसे सेफ रहेगा। सेल्फ डायग्नोस करना, इंटरनेट पर जाके एनल डायलेटर खरीद के अपने आप एक्सपेरिमेंट करना मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, बट ये एक ऑप्शन है, आपको बताना मेरा काम है। द होल चैनल जो है वो पेशेंट एजुकेशन के लिए है, आपको एजुकेट करना मैं चाहता हूँ कि ये भी एक ऑप्शन है। सो एनल डायलेटर इज समथिंग जो कि आप ले सकते हैं ऑनलाइन या किसी शॉप से एंड उसको भी यूज़ करने के तरीके हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। लास्ट हम बात करेंगे लिग्नोकेन जेली की। लिग्नोकेन जेली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो वाटर बेस्ड जेली होती है। बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछते हैं, पेशेंट्स एक्चुअल में भी मिलते हैं जो लोग ने अलग अलग तरीके की चीज़ें लगाई होती है, मोस्ट कॉमनली देखा जाए तो कोकोनट ऑयल या वैसलीन। उनका लॉजिक ऐसे चलता है कि कोकोनट ऑयल जो है, ऑयल किसी भी किस्म का जो है वो ल्यूब्रिकेंट कहा जाता है, जहाँ पे कोई चीज़ अटक जाए वहाँ पे आप ऑयल डालें तो चीज़ें स्मूथली चलने लगती हैं। तो वो वही लॉजिक अपने फिशर वगैरह के लिए भी लगाते हैं कि अगर मोशन हो रहा है, रगड़ के जा रहा है, तो उसको भी लुब्रिकेट करने के लिए हम ऑयल यूज़ करेंगे। हालांकि यहाँ पे गलती हो जाती है, बिकॉज हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है, यानी कि पानी काफ़ी होता है हमारे बॉडी में, इसीलिए वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट ज़्यादा ज़रूरी है। वो काम भी करता है, एब्जॉर्ब भी हो जाता है एंड कोई हमको डैमेज नहीं करता है। ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, कई बार वो टिश्यूज़ को डैमेज और इरिटेट भी कर सकता है एंड यूज़फुल तो खैर नहीं होता है, इसीलिए फिर आपको बाद में और भी तकलीफ होती है। तो अगर आप सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन कर ही रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा ऑयल और वैसलीन वगैरह मत लगाइए, लिग्नोकेन जेली लगाइए, दैट इज़ एटलीस्ट अ वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट। एंड दूसरी चीज़ जो मुझे बतानी है लिग्नोकेन के बारे में, अगर आप यूज़ करते हैं तो इट इज़ एन एनेस्थेटिक एजेंट, यानी कि उसको लगाने के बाद में पेन का सेंसेशन कम हो जाता है लेकिन जो तकलीफ है वो वहीं की वहीं रह जाती है। तो अगर आप लिग्नोकेन जेली पे इतना भरोसा करते हैं कि उससे पेन वगैरह कम हो जा रहा है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, सिर्फ सिम्टम्स कम कर देगा। एंड विद दैट आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नई चीज़ें पता चली हो, आपके कुछ और डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, आप कमेंट कर दीजिए, डिस्कस करते हैं एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विद योर क्वेरीज। एंड ये वीडियो से किसी की मदद हो रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। वेरी सून आई विल सी यू इन अनदर वीडियो।